वेलकम। आज का मौजूद है बारह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बारह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कोई रनवे नहीं है, इस पे बीच पे ही जो है जहाज़ को लैंड किया जाता है और वहीं से टेक ऑफ करता है, यानी कि ये बीच को और रेत को ही मुनज़म तरीके से थोड़ा मुनज़म करके ही उसको उस पर जहाज़ लैंड करता है और वहीं से टेक ऑफ करता है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा ख़तरनाक, अक्सर पानी आ जाता है इसके अंदर, रनवे पे आ जाता है। और तो ये सिर्फ दोपहर दिन के अवकात में ही ऑपरेट होता है, रात को ये ऑपरेट नहीं होता। अच्छा, जब ये जहाज़ ऑपरेट होता है तो यहाँ साहिल पे जो ना लोगों को, साहिल पर से लोगों को हटा दिया जाता है।
Jesus, it's a lot, isn't it? Barra International Airport, Scotland. Barra Aol Gwari Airport के नाम से भी जाना जाता है। बारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कॉटलैंड में बारा जजीरे के शुमाल सरे पे थ्रेक मोर के खलीज पर वाक़ है। मुख्य रनवे के साथ ये मुनफरद खतरनाक अड्डा साहली समुद्र को अपने रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। बृहस्पति ऐसा करने वाला दुनिया का वाहिद हवाई अड्डा है। कुछ अब हमारे पास कुछ मालूम है जो इसके या कुछ आदाद शुमार हैं जो बारा ही हवाई अड्डे के बारे में है, हम उससे बात करते हैं। बारा हवाई अड्डे दुनिया का वाहिद हवाई अड्डा है जिसमें तयशुदा साहिल पर लैंडिंग होती है। इसके नंबर दो, इसके तीन रनवे हैं जो दरअसल समुद्री साहिल है। तीन नंबर, हवाई अड्डे जजीरे के दूर दराज कम्युनिटी के लिए लाइफ लाइन का काम करता है। बारा हवाई अड्डे सालाना तकरीबन 10,000 मुसाफिरों को हैंडल करता है। ये ग्लासगो और बेन बी कोला हवाई अड्डे के लिए आने वाले जाने वाले प्रवासियों की खदमात पेश करता है। हवाई अड्डे के मुनफरद शेड्यूल में फुल लैंडिंग के लिए लहरों पर मुनसर है। बारा हवाई अड्डे पर हवाई जहाज़ के नकल हरकत मौसमी हालात के ताबा होते हैं। टर्मिनल की इमारत छोटी है लेकिन मुसाफिरों के लिए ज़रूरी सहूलियात मुहैया करती है। ज़ायरीन करीब से तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ का मुशाहदा कर सकते हैं। बारा हवाई अड्डे को कई दस्तावेजी फिल्मों और टीवी शोज में दिखाया गया है। बराए करम नोट करें कि यह हकायक आदमशुमार हवाई अड्डे पर ऑपरेशन में तब्दीलियों और पेशरफ की वजह से वक्त के साथ मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ पे कोई बाकायदा ये वो रनवे नहीं है लेकिन तीन रनवे बनाए गए हैं बीच पे आपके रेत के मदद से। इनको इस तरह बनाया गया है कि तीनों आपस में मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं ताकि हवा का रुख कुछ भी हो उसको जहाज को उसके मुताबिक लैंड किया जा सके। जिस हवा के रुख के मुताबिक हवा के ताकत के लिहाज से महफूज लैंडिंग किया जा सके, जिस पर मुनासिब हो उस रनवे पर उसको लैंडिंग किया जा सके। इसमें बाकायदा फ्लाइट कंट्रोल और रवानगी हॉल वगैरह सब है लेकिन वो है कि रनवे नहीं है। हवाई जहाज साहिल पर उतरते हैं तो सिर्फ इस वक्त उतरते हैं जब समुद्र में तुगयानी ना हो यानी जवार कम जवार हो, ठीक है। और ये जहाज़ जो है किसी भी हवा के रुख का कोई मसला नहीं है। तीन रनवे हैं जो रेत के मदद से बने हैं। रेत के बने हुए तीन टर्मिनल हैं, उस पर आसानी के साथ जहाज़ लैंड कर जाता है। लेकिन बड़े जहाज़ लैंड नहीं कर सकते हैं, वजनी जहाज़ लैंड नहीं करते हैं, छोटे जहाज़ ओमन लैंड कर इस पर यहाँ उतरते हैं या यहाँ से जाते हैं। यहाँ के लिए सिर्फ दो ही जहाज़ है जो कि दिन में दिन के मुख्त अवकात में आते हैं जाते हैं और रात के लिए कोई सर्विस नहीं है। एक दफ़ा ऐसा हुआ है ग्लासगो हवाई अड्डे पे डी आइसिंग के दौरान एक तैयारी को नुकसान पहुंचने के बाद मेनलैंड और बारा के दरमियान फ़जाई खदमात मनसूख कर दी गई। इस्तेमाल होने वाला दूसरा तैयारा भी काम से बाहर हो गया क्योंकि इसके मामूल की मरम्मत की जा रही थी। लॉग एयर ने कहा कि चूंकि बारा के रनवे साहिली समुद्र वो मकसद नोटिस पर मुतबाद तैयारी का जरिया नहीं बना सकते, यानी इस पर सिर्फ छोटे तैयारी उतर सकते हैं और वो अगर दो तैयारी यहाँ के लिए मखसूस है, अगर उनमें से एक में मसला जाए तो एक मरम्मत में था और एक को मामूली नुकसान पहुंच गया तो मुकम्मल तौर पर सर्विस मुनक़ता होकर दी गई। चूँकि हवाई अड्डे का मैनेजर टर्मिक रेत है इसलिए जहाज़ का हल्का होना ज़रूरी है। यहाँ पे जेट तैयारी नहीं उतर सकते। लाइट वगैरह हंगामी तो इंतजाम किया जाता है लेकिन हवाई अड्डा ग्रुप आफ्ताब के बाद तैयारियों को तैनिक इजाज़त दी जाता है। हवाई जहाज़ की कार्रवाइयों के दौरान मांगो साहिली समुद्र पर जाने की इजाज़त नहीं है। कुदरती तौर पर जवार यानी पानी का साहिल पर आने से पहले तैयारी को रवाना हो जाना चाहिए। रात को चूँकि पानी
ये रनवे पे आ जाता है, इससे रात की सर्विस मुनक़ता है यहाँ पे, सिर्फ जो तैयारे का आना जाना सिर्फ दिन के वक्त में होता है। अगर रात को यहाँ पे जहाज़ उतारा जाए तो वो जहाज़ हमें पानी में मिलेगा, क्योंकि रनवे दिन रात को रनवे पे पानी आ जाए, समुद्र का पानी आ जाता है। बाद अवकात मौसम की वजह से प्रवास ताखिर का शिकार हो सकते हैं। हवाई जहाज़ के पहियों के साथ लहर के साथ उड़ान भरेंगे। हवाई जहाज ये यानी कि समुद्र के पानी इतना आता है कि समुद्री लहरों के साथ ये उड़ान भरेंगे। हमें CNN पे एयरपोर्ट के नुमाइंदे मैट फॉल्क्स ने बताया कि बोर्डिंग का अमल आसान और तेज़ होता है। जैसे ही हम हवाई जहाज़ की तरफ निकलते हैं, अक्सर सैले समुंदर 1 इंच गहरे पानी में डूबा होता है। इसे क्यों बनाया गया, ये सवाल पैदा होता है। जब इस पे रनवे नहीं बनाया जा सकता तो सिर्फ क्यों बनाया गया, तो कम ने 1936 में बनाया था, 1936 में। वजह यह थी कि हिस्सों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ सर्विस फ्राहम की जा सके, डाक, अस्पताल, तालीम, इस तरह के या रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए बिला तातील एक सर्विस मुहैया की जा सके। इसके लिए जहाज़ से बेहतर कोई दूसरा ज़रिया नहीं हो सकता था। हर साल 10,000 से ज़्यादा सयाह जिले के दौरा करते हैं। हवाई रास्ते मकामी मीशत के लिए काबिल कदर कनेक्शन बनाता है। ये रास्ता और स्कॉटलैंड के बहुत से दूसरे जजीरे को खदमात फराहम करता है। ये इलाकई नकल व हमल के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कौन सा एयरलाइन यहाँ खिदमत फराहम करता है, एक सवाल है। चूँकि हवाई अड्डा काफ़ी दूर दराज, इसलिए वहाँ परवाज के लिए कुछ ही एयरलाइंस हैं। फिलहाल सिर्फ लॉग इन एयर ट्विन ओटर के जरिए पे प्रवास करता है। रोज़ाना 2 बार की प्रवास ग्लासगो और स्कॉटलैंड से सुबह के वस्त में रवाना होती है, बाद में दोपहर को वापस आती है।